मुमरा स्टेशन से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर बन रहा है मुमरा का पहला टाउनशिप प्रोजेक्ट डीजेड सिटी, जो कि नए एमएमवेली रोड का पहला प्रोजेक्ट है, जहां आपको मिलेगी कंप्लीट कनेक्टिविटी। क्वालिटी और टाइम दोनों को ध्यान में रख डीजेड सिटी का काम फुल स्विंग में चालू है। अब तक ग्राउंड प्लस 2 शॉप्स रेडी होने पर है। स्कूल्स, मार्केट, स्टेडियम और हॉस्पिटल जैसी फैसिलिटीज डीजेड सिटी के करीब अवेलेबल है। डीजेड सिटी ऑफर करता है फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान्स, ताकि आप अपने सपनों का घर आसानी से ले सके। डीजेड सिटी के बारे में जानने के लिए उनकी सेल ऑफिस विजिट करें या दिए गए नंबरों पर कॉन्टेक्ट करें। सुनसान खेत में प्रेमी के साथ बैठी प्रेमिका कैसे हुई मनचलों की शरणार्थ और दबंगई का शिकार, देखिए बिहार के गया का वायरल वीडियो। नरभी कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। बिहार के गया जिले में मगध पुलिस स्टेशन है, इसके अंतर्गत आने वाले गुलरियाचक गांव में चक्री घाट परिसर है। यहां पर खेत में, सुनसान खेत में एक प्रेमी युगल बातचीत करते बैठे थे, इसी दौरान कुछ मनचले, लगभग 5 युवक है आते हैं और फिर क्या होता है देखिए इस वीडियो को सावधानी से हम आपको दिखा रहे। कैसी अभद्रता और अश्लीलता इन मनचलों ने इस युवती के साथ की है। प्रेमी बार बार उनको हाथ जोड़ करके रोक भी रहा है, मगर उसकी एक नहीं सुनी जा रही है। लड़की का मास्क तक उतारा जाता है, बार बार वो खुद को बचाने का प्रयास कर रही है। वीडियो 2 से 3 दिन पुराना बताया जा रहा है, मगर ये वायरल सोमवार 29 मई को हुआ है। पुलिस ने इसका संज्ञान लिया है और जांच में पुलिस जुट गई है, और पुलिस का कहना है कि आरोपियों को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई की जाएगी। अरे भाई से मोहला दिलाएंगे, अरे रे अरे पटकने पटकने वाह, अरे रे 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 अरे मोर तो ये रे चल कर दे, अरे निकल नहीं चला अभी शायद 1.5 घंटे पहले आप लोगों के माध्यम से ये वीडियो मेरे पास पहुंचा है, और इस वीडियो को हम लोग जांच करा रहे हैं, और इसमें जो भी दिख रहे हैं वीडियो में उनको बख्शा नहीं जाएगा, उन पर कार्रवाई करके हम लोग उस पर जो भी विधिवत कार्रवाई वो करेंगे। अभी हम लोगों ने अपनी टीम से बात किया है, जो हमारे SHO हैं, DSPs हैं, उन लोगों को ये वीडियो फॉरवर्ड करके हम लोग बोले कि उचित कार्रवाई करेंगे, जैसे इस पर कुछ इनपुट मिलती है हम लोग।